अश्विन मास की शारदीय नवरात्रि इस बार में 3 अक्टूबर सन 2024 अश्विन शुक्ला प्रतिपदा गुरुवार को प्रातः है नवरात्रि स्थापना होगी, लेकिन इससे पूर्व ज्योतिष वेद और शास्त्र ग्रंथ ये बताते हैं कि इस दिन माता मह का श्राद्ध करना चाहिए। माता मह से अभिप्राय है कि नाना और नानी का पहले श्राद्ध होता है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि की स्थापना होती है। ये इस बार जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है, इसकी विविधता ये है, ज्योतिष खगोलीय विज्ञान ये बता रहा है कि इस बार 4 सर्वार्थ सिद्धि योग इसमें आ रहे हैं। जब 4 सर्वार्थ सिद्धि योग आते हैं तो जनमानस के लिए, देश विदेश के लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनता है। सबसे पहले जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो अश्विन शुक्ला तृतीया का है। तृतीया और शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, चतुर्थी और सोमवार को होगा, अष्टमी और शुक्रवार को होगा, और नवमी जो उसी दिन दशहरा है उस दिन भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस प्रकार से 4 सर्वार्थ सिद्धि के साथ में ये नवरात्रि स्थापना होगी। और ऐसा ज्योतिष खगोलीय विज्ञान ये भी बता रहा है कि इस बार वृद्धि योग भी है, 2 तीज है। 2 तीज होने से इस बार 10 दिन की नवरात्रि होगी। इसलिए वृद्धि तिथि जब होती है तो जनमानस के लिए, देश विदेश के लिए, परिवारजनों के लिए सुख समृद्धि का सूचक होता है। एक सबसे बड़ा ज्योतिष खगोलीय विज्ञान का अद्भुत योग ये भी बता रहा है कि इस दिन सूर्य कन्या राशि पर है और चंद्रमा भी कन्या राशि पर है। ऐसा कहते हैं कि जब दोनों ग्रह, सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, चंद्रमा रात्रि का राजा है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सूर्य उष्णता प्रदान करता है, और दोनों ही ग्रह जब एक जगह स्थापित हो जाते हैं तो वो जनमानस के लिए सुख शांति का सूचक है। उस दिन कन्या राशि पर सूर्य और कन्या राशि पर चंद्रमा, ये वर्षों के बाद ऐसा संकेत, ऐसा योग बना है जो भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के सुख और समृद्धि के लिए ये अच्छा योग बना है। इस बार जो नवरात्रि की जो स्थापना करेंगे उनके लिए शुभ मुहूर्त जो है सुबह प्रातः काल से सुबह 6 बजे से 7:30 बजे शुभ का दुगड़िया रहेगा। उसके बाद में 10:30 बजे से 12 बजे तक चंचल रहेगा, जिसको लक्ष्मी युक्त कहते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त आएगा जो 12 बजे से 3 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा, ये श्रेष्ठतम योग रहेगा। शाम को जो जनमानस कोई नवरात्रि की स्थापना करना चाहते हैं वो 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में स्थापना कर सकते हैं, वो समय शुभ का रहेगा। इसके बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक शाम को चंचल वेला आएगी। रात्रि में 12 बजे से 1:30 बजे तक ही लाभ का समय आएगा। ऐसी नवरात्रि जो जिसको नवदुर्गा को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडी, कात्यानी, कालरात्रि, महागौरी, स्कंदमात्री, सिद्धिदात्री, जो ये नवदुर्गा, जो सिंहवाहिनी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभंत्री, चंडमुंड संघारिणी, शेरावाली मैया, जो सिंह पर विराजमान है, जिसकी अष्टभुजा है, जो नवदुर्गा मैया है या काली माता है या पीताम्बरा देवी है, उनकी सिद्धियाँ इन दिनों में मंत्र जाप करने से, हवन करने से, पूजा पाठ करने से सिद्धि योग मिलता है और मनोकामना सफल होती है। इस समय में भैरव की स्थापना भी होती है और भैरव की पूजा, भैरव का विधान भी है। जो जनमानस इस नवरात्रि में, जो शारदीय नवरात्रि है जिसमें तिथि की वृद्धि का योग है, जहां सूर्य और चंद्रमा कन्या राशि पर विद्यमान है और जहां 4 सर्वार्थ सिद्धि योग है और जो 10 दिन की नवरात्रि है, ऐसी शुभ नवरात्रि में जो भगवती की शक्ति की आराधना करेंगे उन सभी को उनके घरों में सुख और समृद्धि होगी, उनकी मनोकामना सिद्ध होगी, परिवार में सुख समृद्धि होगी, देश विदेश में सुख और शांति का संकेत होगा। ये शारदीय नवरात्रि का ज्योतिष खगोलीय विज्ञान का शुभ फल है।